मथुरा जंक्शन पर आम यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भले ही तमाम दावे किए जा रहे हो, लेकिन हकीकत में अभी जंक्शन पर काफी कुछ सुधार होना बाकी है। मथुरा जंक्शन पर यहाँ यात्रियों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जन सुविधा के नाम पर यात्रियों को टॉयलेट जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा मथुरा जंक्शन के गेट संख्या 2 पर नजर आया। माल गोदाम की ओर मथुरा जंक्शन के गेट संख्या 2 पर जन प्रसाधन केंद्र का अभाव है। यात्रियों को टॉयलेट आदि की सुविधा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसके चलते गेट संख्या 2 के आसपास दुर्गंध का माहौल भी बना रहता है। तो वहीं इसके दृष्टिगत गेट संख्या 2 के निकट एक जन सुविधा केंद्र का निर्माण भी करवाया गया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के सौजन्य से निर्मित जन सुविधा केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इस जन सुविधा केंद्र में जहां महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग स्थल निर्माण करवाए गए हैं, तो वहीं दिव्यांग जनों के लिए भी यहां विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं इस जन सुविधा केंद्र में सैनिटरी पैड आदि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इतनी अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी इस केंद्र पर ताले लगे हुए हैं। यहां तक यात्री ना आए इसके लिए इसके प्लेटफॉर्म पर भी कांटों वाले झाड़ रख दिए गए हैं। इस जन सुविधा केंद्र का निर्माण करने वाली संस्था के अधिकारियों ने बताया कि करीब 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह जन सुविधा केंद्र अब रेलवे के हैंडओवर होना है, जिसके बाद इसका संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक रेलवे के द्वारा इसे अपने हैंडओवर नहीं लिया गया है, जिसके कारण यह संचालित नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह जल्द ही संचालन में आ जाएगा और यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में एक ऑटो चालक ने जानकारी दी। विनोद पाल जी, आप यहाँ पर ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। और यहाँ रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग यात्रियों को लाने ले जाने का भी काम करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। लगभग कितने समय से यहाँ आ रहे हैं आप? 20 महीने हो गए। 20 महीने में टॉयलेट को लेकर के यहाँ यात्रियों ने कभी कुछ कहा है, आपसे पूछा था, ऐसी कुछ की है? यात्री पूछते हैं कि टॉयलेट की व्यवस्था क्या है, तो 2 नंबर एंट्री में अंदर बना हुआ है, 1 मुसाफिर खाने में इधर है और 1 सुविधा पीछे तैयार हुई है। लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है जी। हाँ, ये चालू नहीं हुआ, हाल फिलहाल में ही बना है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको, पर ये चालू हो जाएगा। देखो कब तक चालू हो, मगर फिर भी पब्लिक बहुत सी गाँव में साफ सफाई गंदगी मिलती है, तो इधर उधर पेशाब कर लेते हैं, बदबू तो आ रही है पीछे, आपने देखा होगा। समस्या तो उम्मीद है कि ये यदि शुरू हो जाएगी तो राहत मिलेगी? राहत मिलेगी, ये शुरू हो जाएगा तो बहुत राहत मिलेगी। ये निःशुल्क सुविधा है, बाकी सब में पैसे लेते हैं सफाई के लिए, ठेकेदारी में सब चलता है काम, पर सफाई की वजह से आदमी इधर उधर बैठ जाता है।